स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं नगर की प्रमुख हलचलें। आजकल सेल्फी लेने का मन ही नहीं होता, बेजान चेहरा, काले गहरे गोल निशान। फिर तो तुम ग्लोटोएक्स क्रीम सुबह शाम यूज करो, इससे चेहरे पर ग्लो आता है, रंग में निखार आता है, काले गहरे निशान, झुर्रियां, झाइयां हटते हैं और इसका यूनिक फॉर्मूला त्वचा को हेल्दी बनाता है। इसमें स्टेरॉइड और चेहरे को लाल करने वाले हाइड्रोक्विनोन नहीं है, साथ ही चिपचिपा व ऑयली भी नहीं है, लेडीज जेंट्स दोनों के लिए होता है। ग्लोटोएक्स की फ्री डिलीवरी के लिए 9827242002 पर अपना एड्रेस व्हाट्सएप करो। जेल में बंद कैदियों के पितृजनों के तर्पण के लिए सर्किल जेल अधीक्षक ने किया नवाचार। जेल में बंद कैदियों के पितरों के तर्पण के लिए वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूदेव ने करवाया तर्पण। प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन में रियायत पाने के लिए अवकाश के दिन भी लगी हितग्राही महिलाओं की लंबी कतार। आचार संहिता लागू होने से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लागू योजना में लाभ लेने वाली महिलाओं का उमड़ा सैलाब। इकतालीसवीं राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जिले के प्रतियोगियों का हुआ चयन। रतलाम जिला योग चैंपियनशिप के माध्यम से चुने गए खिलाड़ी। जवाहर व्यायामशाला में हुआ प्रतियोगिता का आयोजन। चयनित बच्चे इंदौर में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में लेंगे भाग। और श्री चेतनी काश्यप फाउंडेशन द्वारा श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण विरह के साथ ही रुक्मणी विवाह का हुआ सजीव आयोजन। राष्ट्रीय संत श्री 1008 श्री नर्मदानंद जी महाराज बाप जी ने शहर विधायक को शाल श्रीफल के साथ दिया आशीर्वाद। श्राद्ध पक्ष में पितरों का तर्पण अपना एक अहम स्थान रखता है। कहते हैं कि जब तक पुत्रों द्वारा पितरों का तर्पण नहीं किया जाता तब तक पितरों की मुक्ति नहीं होती है। वहीं श्राद्ध पक्ष में पूरे साल भर पितृदेव अपने परिजनों से तर्पण की आस लगाए रखते हैं, जिससे उनका मन तृप्त होता है और परिवार में सुख शांति एवं समृद्धि कायम रहती है। जिला सर्कल जेल में सर्किल जेल अधीक्षक द्वारा एक पुनीत कार्य करते हुए जेल में बंद बंदियों के पितरों का तर्पण करवाने का कार्य किया। सर्किल जेल अधीक्षक द्वारा एक धार्मिक संस्था के माध्यम से अपने परिवार में मुखिया के बेटे थे और किसी कारणवश आज जेल में बंद है, उनके पितरों का तर्पण भूदेव ज्योतिष आचार्य पंडित संजय दवे द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए संपन्न कराया गया। इस अवसर पर सर्कल जेल अधीक्षक के साथ अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। लाडली बहना योजना के अंतर्गत प्रदेश शासन ने लाडली बहनों को तोहफे में गैस सिलेंडर की भी सौगात दी है। जो वर्तमान में गैस सिलेंडर 1200 में मिल रहा है, उसका पंजीयन हो जाने के बाद वह गैस सिलेंडर मात्र 445 रुपए में मिलने लगेगा। उक्त योजना का लाभ लेने के लिए शहर की हजारों लाडली बहनों ने अपने आवेदन भरे, जिसमें मुख्य रूप से अमृत सागर तालाब, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल के साथ ही नगर निगम की विकास शाखा के समीप महिलाओं ने पहुंचकर बड़ी संख्या में अपने आवेदन जमा किए। उक्त आवेदन शनिवार के दिन भी अवकाश होने के बाद भी प्रदेश शासन ने पंजीयन जारी रखा। उक्त पंजीयन स्थल पर हर दिन करीब 1000 के आसपास महिलाएं पहुंचकर अपना पंजीयन करवा रही है। वहीं पंजीयन करवाने वालों की कतार सुबह 7 बजे से ही लग जाती है। पंजीयन करवाने के दौरान कई बार धक्का मुक्की होने के साथ ही महिलाएं आपस में विवाद तक करने लगती है। बहरहाल प्रदेश शासन की योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा पात्र हितग्राहियों को मिले, इस वजह से
पहले एक सिस्टम यहाँ पर लगाया गया था, बाद में यहाँ पर दो सिस्टम पंजीयन के लिए लगा दिए गए। साथ ही आचार संहिता लागू होने की खबर मिलने के बाद तो कतार और लंबी हो गई, जिससे कि यहाँ पर पंजीयन कर रहे कर्मचारियों को खासा काम का दबाव देखने को मिला। कुश्ती एवं मलखम कला के लिए देश में प्रसिद्ध जवार व्यायामशाला में राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मलखम व कुश्ती के खिलाड़ियों की जननी जवाहर व्यायामशाला में 41 राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जिले के प्रतियोगियों का चयन हुआ। उक्त कार्यक्रम रतलाम जिला योग चैंपियनशिप के माध्यम से आयोजित किया गया। यहां से चयनित बच्चों राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जो इंदौर में आयोजित होगी। प्रतियोगिता 12 से 13 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। जिला स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ जवाहर व्यायामशाला के संचालक राष्ट्रीय खिलाड़ी वैभव जाट व राजीव रावत ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रतियोगिता में जिले भर से 120 के करीब प्रतियोगी बच्चे अपने परिजन व ट्रेनर के साथ भाग लेने पहुंचे। यहां पर बच्चों ने योग कला में अपना दम कम दिखाते हुए एक से बढ़कर एक योग करके दिखाए। प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में मनीष पुरी, अर्जुन सिसोदिया, अंजलि बोहरा रहे। साथ ही समिति सदस्य समिति दुर्गा शंकर मोयल, जितेंद्र रणावत, अमन सिसोदिया, योगेश पाल, योगेश व्यास आदि मौजूद रहे। प्रतियोगिता के बारे में राजीव रावत ने जानकारी देते हुए बताया, जवाहर व्यायामशाला परिसर में जिला स्तरीय योग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे जिले के करीब 150 योग के जो खिलाड़ी हैं बालक बालिका वो भाग ले रहे हैं। इस योग के माध्यम से पूरे जो आज देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं, वो उसी का एक छोटा सा प्लेटफॉर्म आज जवाहर व्यायामशाला परिसर में देखने को मिला। रतलाम जिला योग कॉरपोरेशन और योग एसोसिएशन के माध्यम से यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जवाहर व्यायामशाला परिसर में, और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आज जवाहर व्यायामशाला के संचालक भाई वैभव जाट जी पहलवान को आमंत्रित किया गया, और जो जिले के जितने भी योग प्रशिक्षक है वे यहाँ पर उपस्थित। अब बारी छोटे से ब्रेक की। अपना शहर, बात समस्याओं की, बात हो समाधान की, बात अपने हक की, बात अपने कर्तव्य की, बात शहर की, बात विकास की, बात समाज की, बात राजनीति की, बात संस्कृति की, बात अपने धर्म की, बात शासन की, बात सत्ता की, बात शिक्षा की, बात रोजगारों की, बात हमारे प्रदेश की, बात अपने शहर की। हम रखेंगे आपकी बात आपके मुद्दे, मुद्दे की बात राजू के साथ, मुद्दे की बात राजू के साथ। चेतनी काश्यप फाउंडेशन द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में सुप्रसिद्ध कथावाचक सुश्री जय किशोरी जी ने प्रभु की रासलीला के बाद श्री कृष्ण गोपी विरह का उद्धव संवाद सुनाकर भाव विहल कर दिया। श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह के सजीव चित्रण से पूरा पांडाल झूम उठा। कथा के दौरान कंसवध प्रसंग में जय जयकार गूंज उठी। सुश्री जय किशोरी जी ने कथा के दौरान भगवान की लीलाओं, परंपराओं एवं संस्कृति का सम्मान करने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि जब तक हम अपने भगवान रीति रिवाजों की इज्जत नहीं करेंगे, तब तक किसी और से उम्मीद नहीं कर सकते। जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए जरूरी नहीं कि आपको हिंसा करना पड़े, बिना हिंसा के भी आप बदलाव ला सकते हैं। बस आप भगवान की लीलाओं का मजाक बनाने के कार्यों का हिस्सा बनना बंद कर दीजिए, ऐसी चीजें स्वतः होना बंद हो जाएगी। सुश्री जय किशोरी जी ने कहा कि श्री राम आपको मर्यादा में रहना सिखाते हैं और श्री कृष्ण मर्यादा में रहते कैसे हैं इसकी सीख देते हैं। भगवान की लीलाओं को संसार की दृष्टि से नहीं, भगवत दृष्टि से देखें। श्री राम आपको सिखाते हैं मर्यादा में रहते कैसे हैं, कि श्री राम आपको सिखाते हैं मर्यादा में रहते कैसे हैं और श्री कृष्ण आपको सिखाते हैं मर्यादा में रखते कैसे हैं। और भी नहीं करेगा,
किसी और को आप क्या सुधारने निकल रहे हैं कि वो ये ना बोले, वो ना बोले, पहले आप तो सुधरिए। हम खुद भगवान की लीलाओं का मजाक बना रहे हैं, दूसरों से कहते कि वो मजाक ना बनाए। चलिए मजाक कोई और बना रहा है, हंस कौन रहा है, हंस कौन रहा है, हंस तो हम ही रहे हैं ना, हंसना बंद कर दीजिए, मजाक बनने बंद हो जाएंगे। एक दुकानदार अपने दुकान में सामान तभी रखेगा जब सामान बिक रहा है, जिस दिन बिकना बंद हो जाएगा वो सामान क्यों रखेगा। तो आप बिकने दे रहे हैं ना। देखिए कभी भी बड़ा बदलाव लाने के लिए हर समय जरूरी नहीं है कि आपको हिंसा करनी पड़ेगी, बिना हिंसा किए भी आप बदलाव ला सकते हैं, बस हिस्सा बनना बंद कर दीजिए। आरंभ में राष्ट्रीय संत श्री नर्मदानंद बापजी ने कहा कि रतलाम की धरा पर एक अनूठा संगम और ज्ञान भक्ति की पराकाष्ठा का आज सभी रसास्वादन कर रहे हैं। रतलाम की धरा पर विधायक चैतन्य काश्यप के नेतृत्व में ऐसा अद्भुत कार्य पहली बार हो रहा है। वे जिस प्रकार से यह कार्य कर रहे हैं उसी प्रकार आगामी समय में हमें इन्हें आगे बढ़ाना है। बापजी ने इस मौके पर विधायक चैतन्य काश्यप को शोल उड़ाकर आशीर्वाद प्रदान किया। एक ऐसे संत जो हम सभी की श्रद्धा के पात्र है। लेकिन रतलाम की धरा पर भैया जी की नेतृत्व में और ऐसा अद्भुत कार्य पहली बार हो रहा है, तो जिस प्रकार से ये कार्य हो रहा है, इसी कार्यक्रम के साथ साथ में आगामी समय में हम सब लोगों को ऐसी ही उत्साह से इनको भी आगे बढ़ाना है। राम लला की कृपा भी इस नगर के ऊपर उतनी ही ज़्यादा बरस रही है। आप सभी रतलाम वासियों को बड़ा गर्व महसूस होगा कि भारत की धरा पर राम मंदिर निर्माण हो रहा है। उस धरा पर द्वादश ज्योतिर्लिंग जब यात्रा होकर के आई थी, उस समय राम मंदिर के निर्माण के लिए भैया जी ने 1 करोड़ रुपए उसी मंच से घोषित किए थे। कथा के आरंभ में फाउंडेशन अध्यक्ष एवं विधायक चैतन्य काश्यप, श्रीमती नीता काश्यप, सिद्धार्थ काश्यप, पूर्वी काश्यप एवं श्रवण काश्यप ने पोथी पूजन किया। इसके बाद समिति सदस्य एवं अतिथियों द्वारा आरती की गई। अतिथि के रूप में भाजपा जिला प्रभारी प्रदीप पांडे, मंडल रेल प्रबंधक रजनीश कुमार, वरिष्ठ समाज सेवी खुर्शीद अनवर उपस्थित रहे। कथा के आरंभ में विभिन्न संस्थाओं द्वारा सुश्री जय किशोरी जी एवं विधायक चैतन्य काश्यप का स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान श्री जांगड़ा पोरवाल समाज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जैन विद्या विकास समिति, जैन स्कूल, आदिवासी समाज, रतलाम जिला अभिभाषक संघ, रोटरी क्लब, पूज्य सिंधी पंचायत एवं सिंधु सेना, अभा कोली समाज, पांचाल समाज, संपूर्ण माली समाज, विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल, प्रतिभा सम्मान समारोह समिति, सज्जन क्षेत्रीय समाज, राजपूत बोर्डिंग, जैन विद्या निकेतन स्कूल, सूरजमल जैन मंडल, साई सेवा सुंदरकांड मंडल, त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण समाज, राजपुरोहित मंडल, भोजन व्यवस्था समिति के सदस्य उपस्थित रहे।
विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचेड़ अब रामनगर चौराहा पर नवनिर्मित स्वागत द्वार की वजह से जाना जाएगा। यह बात विधायक दिलीप मकवाना ने शनिवार को ग्राम पंचेड़ में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा लोकार्पण के अवसर पर कही। इसके साथ ही 28 लाख के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण भी किया गया। विधायक दिलीप मकवाना ने बताया कि विकास कार्यों में 3 लाख की लागत से निर्मित यात्री प्रतीक्षालय व सामुदायिक शौचालय का लोकार्पण व 25 लाख की लागत के ग्रेवल सड़क का भूमि पूजन किया। साथ ही विधायक दिलीप मकवाना ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक गांव में महापुरुषों के नाम से इस तरह के स्वागत द्वार का निर्माण होना चाहिए ताकि सामाजिक सेवा के क्षेत्र में आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा व मार्गदर्शन मिल सके। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा, वरिष्ठ नेता बाबूलाल कर्णधार, मंडल अध्यक्ष दिनेश धाकड़ सहित पदाधिकारी एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे। आज के लिए बस यहीं तक, फिर मुलाकात होगी नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जेल में बंद कैदियों के पितृजनों के तर्पण के लिए सर्किल जेल अधीक्षक ने किया नवाचार। जेल में बंद कैदियों के पितरों के तर्पण के लिए वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूदेव ने करवाया तर्पण। प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन में रियायत पाने के लिए अवकाश के दिन भी लगी हितग्राही महिलाओं की लंबी कतार। आचार संहिता लागू होने से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लागू योजना में लाभ लेने वाली महिलाओं का उमड़ा सैलाब। इकतालीसवीं राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जिले के प्रतियोगियों का हुआ चयन। रतलाम जिला योग चैंपियनशिप के माध्यम से चुने गए खिलाड़ी। जवाहर व्यायामशाला में हुआ प्रतियोगिता का आयोजन। चयनित बच्चे इंदौर में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में लेंगे भाग। और श्री चेतन काश्यप फाउंडेशन द्वारा श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण विरह के साथ ही रुक्मणी विवाह का हुआ सजीव आयोजन। राष्ट्रीय संत श्री 1008 श्री नर्मदानंद जी महाराज बाबजी ने शहर विधायक को शाल श्रीफल के साथ दिया आशीर्वाद।